बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के पावन तीर्थ में रतनपुर के महामाया के दर्शन हेतु प्रतिदिन दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। सप्तमी तिथि पर माँ महामाया की पूजा अर्चना की जाती है। माँ के इस स्वरूप के प्रथम दर्शन के लिए भक्त पद यात्रा करते हुए दूर दूर से रतनपुर पहुंचते हैं और पूरी रात दर्शन पूजन का क्रम जारी रहता है। बिलासपुर के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पद यात्रा करते हुए रतनपुर पहुंचे। श्रद्धालुओं के उत्साह के आगे यह दूरी और थकान मानो खत्म हो गई थी। इनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो हर साल काल रात्रि पर पैदल ही रतनपुर आते हैं। इनकी सेवा के लिए रास्ते पर 100 से अधिक स्टॉल लगे हुए थे, जहां फल, प्रसाद, मिष्ठान, चाय ये सब ग्रहण करने के साथ ही यात्री विश्राम करते भी नजर आए। अनुमान है कि 1 लाख से अधिक पद यात्रियों ने रविवार शाम से लेकर सोमवार तड़के तक रतनपुर पहुंचकर माँ महामाया के दर्शन किए, जिनके लिए मंदिर का पट पूरी रात खुला रहा। वहीं रास्ते में प्रकाश की व्यवस्था भी की गई थी ताकि पद यात्रियों को किसी भी तरह की समस्या न हो। यातायात विभाग द्वारा भी पद यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी। रतनपुर से कीर्ति सोनी की खास रिपोर्ट। काफी विलंब हुआ और इसके कारण में फिर हम सब लोग बोले कि गाड़ी से चलना है, लेकिन सप्तमी तय है रतनपुर आना, भैरव बाबा का दर्शन करना, आदिशक्ति महामाया का दर्शन करना और माथा टेकना, वो भक्ति भाव बना रहे यही हम प्रार्थना करते हैं। भूपेश बघेल के आने के बाद में नरवा गुरुआ बारी में अटक करके रह गए, पूरा प्रदेश विकास के कार्य ठप हो गए। अब सड़कों का खस्ता हाल हो गया, अधिकारी को डांट फटकार चलने से काम नहीं चलेगा और मैं समझता हूँ ये बनाने में अब असमर्थ है। चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, सड़क हो, पेयजल की व्यवस्था हो, लोगों का आवास की व्यवस्था हो, पैसा इनके पास है नहीं, ठन ठन गोपाल हो गया है, खजाना खाली है, दूसरे के ऊपर बरसने से काम नहीं चलेगा। रमन सिंह को दोष देंगे तो रमन सिंह ने जो सड़क बनाए हैं, मैं उदाहरण देता हूँ कि एक आप घर बना लीजिए और 4 साल तक उसमें ताला लगा करके रख दीजिए और 4 साल के बाद में उस घर में जाएंगे वो घर नहीं रहेगा। तो जब सड़कें हाईवे चल रहा है और उसके बाद में आपके मरम्मत करने की स्थिति नहीं है और दूसरे के ऊपर दोष देंगे, इससे आप बच नहीं सकते। जब से आप आए हैं मुख्यमंत्री जी, सबसे पूरे प्रदेश का बंसा ढार हो गया है, अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है।